मैं गणेश सलोन के फिनिक्स सीएनसी स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम सीएनसी टर्निंग मशीन का सिंपल टर्निंग बॉडी टर्निंग प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, जो नए स्टूडेंट होते हैं, जो नए जिसको प्रोग्राम सीखना है, वो टर्निंग का प्रोग्राम मैनुअल कैसे किया जाता है G01 द्वारा, और उसका टेक्निक कैसा है, डेप्थ ऑफ कैसे लेना है, फीड कैसे रखना है, स्पीड कैसे रखना है, और उसका लेआउट के हिसाब से, कोऑर्डिनेट के हिसाब से कट कैसे लेना है, और कितने ब्लॉक में एक कट कंप्लीट होने वाला है, डेप्थ ऑफ कट कैसे तय करना है, ये सब डिटेल्स एक बार समझ में आने के बाद आप खुद प्रोग्राम बनाओगे टर्निंग का। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, तो पूरी तरह से वीडियो देखिए दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं बताता हूँ आपको टोटल। तो दोस्तों आज हम देख रहे हैं सीएनसी ओडी टर्निंग प्रोग्राम देख रहे हैं। फर्स्ट सेटअप प्रोग्राम में हमको जो 46 है उसको 40 डायमीटर करना है, और लंबाई उसकी 30 डेप्थ जाना है, और टोटल 72 माने इधर से 1 mm फेस निकालना है, इधर से 1 mm। तो ऐसा दो सेटअप में ये 45 40 40 करना है, ये 30। अभी हम जो देखने वाले हैं इधर क्लैंप फर्स्ट सेटअप देख रहे हैं, टोटली 40 डायमीटर करना है हमको, 46 ये रॉ मटेरियल है। सेटिंग प्रोसेस में क्या रहता है, एक नंबर ड्राइंग, ये ड्राइंग कौन सी जॉब का है, राउंड पार्ट का, 2D में, 2D माने व्यू फ्रंट बॉटम राइट साइड लेफ्ट साइड व्यू, टॉप फ्रंट बॉटम राइट साइड लेफ्ट साइड व्यू, ऐसे जो दिखता है वो 2D का ड्राइंग हो। राउंड कैसे पहचाना, ये डायमीटर का सिंबल है और सेंटर लाइन रहता है, तो दोनों साइड सेम रहती है, उसको राउंड पार्ट का ड्राइंग आप बोल सकते हैं टोटल। तो दो नंबर मटेरियल, मटेरियल कौन सा है, N1 है, स्टील मटेरियल है, उसका डायमीटर 46 है, मैं बोला ये 46 और लंबाई 72 L लेंथ, ये ध्यान रखिए। फिर तीसरा है सीएनसी, ये कौन से सीएनसी मशीन पे जॉब होगा, राउंड पार्ट सीएनसी टर्निंग मशीन जो होता है। फिर टर्निंग मशीन में भी मॉडल रहता है, कौन सा, VTL रहता है, STL, हम जो रेगुलर यूज करते हैं STL पे, ये मॉडल ऐसा रहता है, STL माने जॉब भी ओरिजेंटल होता है और टूल भी ओरिजेंटल होता है, तो उसको एसटीएल बोला जाता है टोटली। तो ये ऐसा जॉब हमने क्लेम किया है, और टूल इधर है ट्रेट हेड में, वो ऐसा पोजीशन रहता है एसटीएल का, ध्यान रखिए। और उसको चार नंबर जो है सीएनसी एक्सेस कितने, एक्स और जेड है, एक्स माने ये डायमीटर मेंटेन करता है, और जेड माने लेंथ मेंटेन करता है, ये ध्यान रखने का सिलेंडर पार्ट का। तो पांच नंबर ऑपरेशन, हमको कौन सा ऑपरेशन करना है, ओडी टर्निंग करना है, तो ओडी टर्निंग कैसे करना है, तो ओडी टर्निंग में हम कट लेंगे, फिर कट करके जाएंगे, फिर कटिंग करके ऊपर जाएंगे, फिर सेप जाएंगे, फिर कट लेंगे, ऐसा कट ओडी टर्निंग बोलते हैं उसको टोटली। G0 G1 द्वारा कैसे किया है, ये लेआउट मैंने दर्शाया है, और हम टूल कौन सा यूज करने वाले हैं, टूलिंग हम TNMG है, 16-04, ये इंसर्ट की साइज है, इंसर्ट रेडियस है, इंसर्ट थिकनेस है, इंसर्ट का साइज है, TNMG इंसर्ट द्वारा हम ये ओडी टर्निंग ऑपरेशन करने वाले टोटल, मतलब से 40 डायमीटर से हमको 40 डायमीटर तक 30 डायमीटर तक कट करना है टोटल, और उसका ऑफसेट लेने आना चाहिए, ऑफसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑफसेट के लिए हमने एक्स ऑफसेट लेते समय, ये रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के ऊपर हमने टूल टच करके जो डायमीटर होता है, जो डायमीटर के ऊपर टच किया है एक्स ऑफसेट लेते वक्त, तो वो उसका ज्योमेट्री ऑफसेट के एक्स में लेके एक्स डायमीटर X40 एक्स मेजर बटन प्रेस करेंगे, तो ये डायमीटर X0 सेंटर में फिक्स होता है जब आप एक्स ऑफसेट लेते हैं। तो फिर वही जेड ऑफसेट लेना है, तो मैंने टूल, वही टूल क्या करना है, हमको फेस को टच करना है और जेड 0.0 देना है, या जेड जितना मटेरियल निकालना है 1.0 डाल के भी आप फिनिश जॉब के ऊपर ऑफसेट लेते वक्त जेड 0.0 मेजर करना है, रफ के ऊपर ले रहे हो तो जेड 1.0 डाल के मेजर बटन दबाना है, उसी तरह से ये आलेख बन जाता है जब आप एक्स और जेड ऑफसेट लेते हो, तो ये जॉब के ऊपर एक्स सेंटर को होता है और जेड 0 फेस को होता है, तो ऐसा आलेख बनता है। इसके आलेख द्वारा ही हम कोऑर्डिनेट ये निकालते हैं टोटल, प्लस माइनस, ये जेड इधर से माइनस होगा, जेड प्लस होगा, एक्स प्लस इधर होगा, एक्स माइनस इधर होगा। तो अभी इसका कोऑर्डिनेट और डेप्थ ऑफ कट के हिसाब से कैसे उसका लेआउट चलने वाला है मैनुअल द्वारा, वो सब डिटेल्स देख के प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। अभी जो हम लेआउट और डेप्थ ऑफ कट या नंबर ऑफ पासेस देखने वाले, तो एक कट के लिए हमको चार ब्लॉक होने, हम चार ब्लॉक के हिसाब से ये करने वाले टोटल। तो अभी हम डेप्थ ऑफ कट कितना ले रहे हैं, 0.5 mm का एक कट ले रहे हैं,
और इंटू टू मतलब 1 mm का पर डायमीटर वाइज हम 1 mm का कट लेने वाले हिसाब से। और इंसर्ट हमारा कितना है, 0.8 mm का TNMG का इंसर्ट है टोटल, तो उसके लिए बेटर डेप्थ ऑफ कट है। फीड 0.18 है ये, और स्पीड है 1800 टोटल, तो उसके हिसाब से हमको एक कट कितना mm से जाना है, 45-40 तक जाना है, तो हमारा 1-1 mm का 44-43-42-41-41 ऐसे 5 कट, पहला कट, दूसरा कट, तीसरा, चौथा और पांचवा कट, तो 5 × 20 20 ब्लॉक का प्रोग्राम बन जाएगा टोटल। और ऐसे मतलब 20 ब्लॉक का प्रोग्राम कैसे हो जाएगा, पहले ये कट लेगा, कट ब्लॉक है पहला, फिर ये कटिंग करेगा, मतलब ये एक्स को कट लेगा, एक्स को कट लिया, फिर जेड एक्सेस को कटिंग किया 44 को, एक्स 44 को आया, फिर जेड माइनस ये जितना लंबाई है इसका कितना है 30 है, तो ये 30 गया इधर से कट होके, फिर वापस हमने कितना देना है, एक्स एक्सेस को जाना है 45 देना है, 44 से 45 सीधा जाएगा एक्स, ये तीसरा ब्लॉक कटिंग में, फिर वापस जेड, हमको Z1 देना है, तो ये सेफ जगह जाएगा टोटल, फिर वापस हम 43 को आएंगे, फिर जेड माइनस हम 30 जाएंगे इसके हिसाब से, फिर वापस हम ऊपर जाएंगे 45 को, फिर Z1 जाएंगे इसके हिसाब से, फिर वापस हम एक्स को तीसरा जो 42 है, ये एक्स के हिसाब से 42 आएंगे, फिर वापस जेड माइनस 30 जाएंगे, फिर वापस एक्स 45 जाएंगे, फिर Z1 आएंगे, फिर वापस एक्स 41 आएंगे, फिर जेड माइनस 30 जाएंगे इसकी वजह से -30, फिर वापस एक्स 45 को जाएंगे, फिर Z1 आएंगे ये ब्लॉक के हिसाब से, हाँ, फिर वापस आखिरी कट X40 को आएंगे इसके हिसाब से, हाँ, फिर वापस Z-30 जाएंगे माइनस के हिसाब से, फीड के हिसाब से अंदर जाएगा, फिर वापस ये एक्स के हिसाब से हम ऊपर 45 को जाएंगे, फिर वापस ये 45 से Z1 आएंगे टोटल। तो ऐसे 5 जब हम एक साइड जा रहे हैं, तो दूसरा रिवोल्यूशन होने के कारण वो ऑटोमेटिक दूसरी बाजू कट होता है, मतलब 41 लेंगे तो ये 41 ऐसा हो गया, 42 लेंगे तो ये ऐसा 42 होता है, 43 मानी ये डायमीटर 43 होता है, 44 मानी ये 44, 45 मानी ये 45, मतलब ऐसा राउंड रहता है टोटल, ध्यान रखिए। तो के लिए आपको 4 ब्लॉक का प्रोग्राम हम बनाने वाले, वैसे 5 कट है, 5 कट के हिसाब से 5 × 20 ब्लॉक का हमारा ये मैनुअल ओडी टर्निंग प्रोग्राम रहेगा टोटल। तो ये तभी ये डायमीटर, ये 40 डायमीटर बनेगा, 30 लंबाई बनेगी, और ये 45 डायमीटर टोटल मिला के जो आप 70 का रहेगा टोटल। तो दोस्तों इसी तरह से उसका प्रोग्राम ये डेप्थ ऑफ कट, ये ब्लॉक के हिसाब से और लेआउट के हिसाब से वर्किंग कैसे करता है, मतलब ये पहला ब्लॉक हमारा ये होता है 1 नंबर, 1 नंबर ब्लॉक, ये 2 नंबर ब्लॉक, ये 3 नंबर ब्लॉक और ये 4 नंबर ब्लॉक, ध्यान रखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो वापस ये दूसरा 1 नंबर ये रहेगा, फिर ये 2 नंबर ब्लॉक रहेगा, फिर वापस ये 3 नंबर फिक्स रहेगा, फिर 4 नंबर ये फिक्स रहेगा, सिर्फ वापस ये 1 नंबर फिक्स रहेगा, फिर 2 नंबर इधर फिक्स रहेगा, फिर वापस 3 नंबर उधर ही जाने वाले हैं, वापस ये 4 नंबर इधर आएंगे, फिर वापस 5 नंबर को इधर आएंगे, फिर वापस जेड माइनस जाएंगे 30 को, ये -30 है जेड, फिर एक्स 45 को जाएंगे, फिर Z1 को आएंगे, फिर फाइनल कट लेते हुए X40 को आएंगे, फिर जेड माइनस जाएंगे 30 जाएंगे, ये 30 लंबाई है इसका, तो उसके हिसाब से हम 30 जाएंगे, फिर वापस 30 को हम आ गए, तो 30 को आ गए तो ऐसा 45 माने ऐसा 45 ऊपर, मतलब एक साइड जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक ये होता है, तो ये 45 इधर गए हम फाइनली, और फिर Z1 जाके फिर इधर से बाहर देंगे। तो दोस्तों ये लेआउट के हिसाब से ऐसा हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं आपको। तुरंत आप कितना भी नया ओडी टर्निंग का प्रोग्राम सीख रहे हो तो तुरंत आपको समझ में आएगा कि कैसे, क्योंकि हमारा Z0 फेस को है, X0 सेंटर में फिक्स रहता है, एक्स एक्सेस से कभी भी डायमीटर का ही वैल्यू अचीवमेंट करता है, ध्यान रखिए, मतलब सेंटर से वो डायमीटर ही 40 मानिए ऐसा 40 होता है, 41 मानिए दोनों मिला के 41 होता है, नहीं ध्यान रखिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एक्स से कभी भी डायमीटर, 45 देंगे तो ही इधर आएगा, 44 देंगे तो इधर आएगा प्लस में, क्योंकि टूल हमारा प्लस साइड में है ना ये, हाँ, तो
तो ये प्लस साइड में टूल होने के कारण सब वैल्यू हम प्लस में दिए रहे टोटल, और इधर से टूल रहता तो हमको सब वैल्यूएशन आपको माइनस में देना पड़ता था, ध्यान रखिए। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने आपको लेआउट, कोऑर्डिनेट और नंबर ऑफ ब्लॉक, मतलब पहला ब्लॉक हम एक एग्जांपल देता हूँ, पहला ब्लॉक हमारा समझो 44 ये लिया हमने पहला कट, हाँ 45 को रुका, 45 में से एक गया 44 पहला कट, फिर हमारा जेड माइनस कितना रहेगा, जेड माइनस 30 रहेगा टोटल, और वो फीड देना है हमको, ये दूसरा कट रखा, मतलब ये 44 को आया, ये दूसरा एक नंबर, ये दो नंबर, तीन नंबर और ये चार नंबर, तो ये एक नंबर इधर हो गया, दो नंबर हम इधर आ गए, फिर अभी तीन नंबर को एक्स ऊपर जाना, एक्स पंचालीस पॉइंट जीरो, फिर वापस जेड बाहर, मतलब जेड वन माने जेड जीरो से एक एमएम बाहर रहेगा। तो ये तो दोस्तों इसी तरह से चार ब्लॉक में, ऐसे चार ब्लॉक में एक कट मार के हम 5 mm जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो कैसे मैनुअल कट करते हैं, कैसे प्रोग्राम बनाया जाता है, मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्रोग्राम में पहले क्या रहता है, तो ये प्रोग्राम हम किसका है, प्रोग्राम नंबर है, N1 माने सिक्वेंस नंबर होता है, मतलब कभी प्रोग्राम जंप करना है या सर्च करना है तो उसके लिए ये रहता है टोटल। G90 माने एब्सोल्युटली कोऑर्डिनेट, मतलब जो भी हम ये कोऑर्डिनेट दे रहे हैं प्रोग्राम में एब्सोल्युटली में दे रहे हैं वैल्यू, जो भी आगे पीछे का जो वैल्यू है प्लस माइनस होने वाला वो एब्सोल्युटली में दे रहे हैं आप, ऐसा करें। G99 माने फीड mm पर रिवलेशन होता है, इनको कितना कट करता है वो फीड वैल्यू mm पर रिवलेशन में, डाटा इनपुट मैट्रिक माने ये जो भी वैल्यू है वो मैट्रिक mm में दिलाने के लिए ये G21 काम करता है टोटल, डाटा इनपुट मैट्रिक बोल के। फिर ये टी लेटर है, 01 मतलब टूल का टूल नंबर है ये टरेट हेड का, और उसका टूल का ऑफसेट नंबर 1 है टोटल। तो ये मैक्सिमम आरपीएम कोड है, और ये मैक्सिमम आरपीएम 1800, G96 ये मिनिमम आरपीएम है, कटिंग स्पीड आरपीएम बोलते हैं, ये कटिंग स्पीड है ये 300, और ये डायरेक्शन M03 मतलब डायमीटर वाइज कम ज्यादा आरपीएम से ये रिवलेशन होगा टोटल। तो उसके बाद अभी दोस्तों हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है G0X45Z1 माने हमारा 45Z1 माने इधर रुक गया है ऐसा, ये ब्लॉक की वजह से टोटल ये मेटकुलन चालू हो गया टोटल, 45 माने यहाँ सेंटर से X45 हो गया और Z0 सेंटर से माने बाहर हो गया, तो ये ऐसा टूल मशीन जीरो होम पोजीशन से इधर आया ब्लॉक की वजह से। फिर हमारा जो पहला अभी कट आया 1 mm का कट लेने वाले, तो पहला कट हमारा ये ऐसा एक्स इधर शिफ्ट होगा X44 को, G0X44 फास्ट हवा में है इसलिए हम G0 दिए, फिर कट लिया पहला, फिर वापस जेड माइनस कटिंग में जा रहा है अभी, जेड माइनस 30 कहां से, यहां से ये होता है तो काउंटिंग यहां से होगा, ये प्लस का इधर जीरो हो जाएगा पहले, फिर वापस वो अंदर 30 mm जाएगा ये इसकी वजह से, ये 30 वापस हम G1X45 माने 45 माने ऊपर जाएगा ना वो, एक्स को ही हमने ये किया, जेड उतना ही रहेगा, फिर ये 45 को इधर गया, फिर वापस हमने जेड वन बोला है, मतलब माइनस 30 से 25 माइनस 20 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 5 माइनस जेड जीरो, फिर इधर से 1 mm ऐसा पकड़ता है। जेड जो होता है वो जेड जीरो से ही माइनस होता है, जेड जीरो से ही फर्स्ट लाइफ वैल्यू पकड़ता है, ये ध्यान रखने का। तो दोस्तों इसी तरह से एक कट में मतलब हम चार ब्लॉक में एक कट हमने 1 mm का कटिंग किया ले रहा है टोटल, 44 का लिए थे अभी, 44 में से एक कम हुआ ये 43 को लिए, फिर हवा में इसलिए G0 में आए, फिर कटिंग में हमको जाना है जेड माइनस, तो हम जेड माइनस जेड जीरो हो जाएगा इधर, फिर जेड माइनस हम डायरेक्ट जाएंगे जेड माइनस 30 को गए हम टोटल इसकी वजह से ये फिट रेट द्वारा, फिर वापस हम कटिंग में ही ऊपर जा रहे तो वापस मैं ऊपर 45 को गया टोटल, फिर वापस जेड 1.0 माने माइनस से माइनस 25 माइनस 20 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 5 माइनस 0.0 और जेड 1 बाहर आएगा टोटल इसकी वजह से। फिर वापस अभी हम तीसरा कट ले रहे हैं, ये दो कट कंप्लीट हो गए टोटल, 2 mm का कट हुआ, जब एक साइड जा रहे तो दूसरा ऑटोमेटिक इधर का साइड कट होता है, ध्यान रखिए ये दो mm कट हो गया टोटल बाहर से। फिर अभी तीसरा कट है, 43 में से गया 42, तो
वापस हम इधर से टूल वापस 42 को आएंगे, फिर वापस ये ऐसा जेड माइनस 30 को जाएगा, टोटल 42 जेड माइनस 30 गया, जेड 0 जेड माइनस 30, फिर वापस एक्स 45 को ऐसा ऊपर जाएगा टोटल, फिर वापस जेड 1 माने जेड 30 है, 25 माइनस 20 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 5 माइनस जेड 0 फिर जेड 1, तो इसके हिसाब से आएगा। ये तीसरा कट कंप्लीट किया, अभी चौथा कट है, मतलब 41 नीचे आएगा 41, फिर जेड माइनस 30, मतलब ये जेड 0 प्लस से जेड 0 हो जाएगा, फिर वापस जेड माइनस 30 ये जाएगा टोटल, ऐसा 30 आ गया टोटल कटिंग करते हैं ये फिड रेट द्वारा, फिर एक्स 45 को जाएगा इधर से इधर तक ऐसे, फिर वापस जेड 1 माने माइनस से, फिर क्योंकि काउंटिंग इधर से ही जेड पकड़ता है माइनस और प्लस, जितना है माइनस गए हो पहले जेड 0 को आएगा फिर इधर से जेड पकड़ेगा प्लस, तो ये इसी तरह से जेड 1 बाहर आ गया टोटल। अभी हमको फाइन फिनिश कट मारना है, क्योंकि फिनिश हमारा डायमीटर कितना है 40 है, तो जितना ये तीन तीसरा कट ये चौथा कट हो गया, नीचे से जो ऊपर कट कर रहा है रिवोल्यूशन होने के कारण इधर, मतलब इधर 0.5 का कट ले रहा है, इधर 0.5 का, ऐसा दोनों मिला के 1 mm का कट लेके जा रहा है डायमीटर वाइज, तो डायमीटर वाइज ही वैल्यू देना पड़ता है आपको। अभी हमको फिनिश कट देना है, तो हमने फिनिश कट के लिए x 40 को आ रहा है नीचे ऐसा, ये 40 का लाइन है, इधर x आ गया टोटल G0, फिर अभी हम Z0 को टच हो रहे, मतलब डायरेक्टली फीड में हम इधर कट हो रहे, Z0 को टच हो गए, फिर क्योंकि फिनिश कट है इसलिए, नहीं तो इधर हम Z0 को नहीं डायरेक्टली दे रहे थे, फिर अभी Z0 इधर टच हो गए, फिर जेड माइनस 30 हम जा रहे हैं टोटल, ये देखिए तो फाइनल कट हम 30 को आ गए, फिर वापस एक्स 45 को जा रहे, फाइनल कट ऐसा फिनिश 45 को आ गए, फिर जेड 10 और M09, मतलब इधर से जेड 10 माने इधर से ऐसा जाएगा टोटल, इधर 10 और जो कूलेंट हमने चालू किया था इधर M08 से, वो M09 से कूलेंट हमने बंद किया टोटल, और जो हमने स्पिंडल स्टार्ट किया था मैक्सिमम मिनिमम वो रोकने के लिए M05 दिया, मतलब स्पिंडल ऑफ होगा, फिर G28 की वजह से U0 W0 में U माने X W माने Z, 28 माने रिटर्न टू रिफरेंस पॉइंट, ये कोड है, तो ये टू ये कोड क्या करेगा, यू और एक्स माने एक्स और जेड के जो पॉइंट है रेफरेंस के यू वन है डब्ल्यू, वो मशीन 0 पॉइंट को लेके जाएगा एक्सेस को, और M30 की वजह से प्रोग्राम एंड एंड रिवाइंड हो जाएगा, मतलब इधर प्रोग्राम खत्म होके पहले जगह जाएगा टोटल। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने आपको G0 G1 से ओडी टर्निंग, सिंपल ओडी टर्निंग ऑपरेशन कैसे किया जाता है रफ और फिनिश, उसका टेक्निक लेआउट फॉर्मेट द्वारा मैंने आपको अच्छी तरह से बताया, आपको समझ में आया होगा, कुछ वीडियो के बारे में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।